और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। गवर्नर कूचबिहार गए और यहां उन परिवारों से मिले जिन्होंने अपने को चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद हुई हिंसा में खो दिया था। पश्चिम बंगाल में जो हत्या की गई थी इन लोगों की, उनसे मिले हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में गए राज्यपाल। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कूचबिहार का दौरा किया और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है राज्यपाल ने। चुनाव के बाद हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनके घर वालों से मिलने पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे। चुनाव बाद जो हिंसा हुई थी, किस तरीके से तस्वीरें हमने देखी थी, और पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिख रही हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ लोगों के बीच पहुंचे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की तस्वीरें थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस दरमियान भी कई लोगों ने अपनों को खो दिया, जान गंवा दिया। कई लोगों ने उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए राज्यपाल पहुंचे थे जगदीप धनखड़ लोगों के बीच में, उनके अपनों के बीच में। तो परिवार का जो गुस्सा है वो भी देखने को मिला। कूचबिहार पहुंचे थे राज्यपाल के सामने, हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन रोने लगे, राज्यपाल के पैरों पर गिर करके परिजन अपना दर्द बयां करने लगे। देखिए राज्यपाल जब पहुंचे तब कूचबिहार में एक परिवार कैसे फूट फूट कर उनके सामने रोने लगा। ये परिवार का वो दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया। उनकी गलती महज इतनी थी कि किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष को उन्होंने पसंद नहीं किया था और वो लोकतंत्र की राह पर चल रहे थे, लेकिन मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ इस तरीके से दंडवत हो गए परिजन, अपने आप को संभाल नहीं पाए जब राज्यपाल यहाँ पहुंचे। और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की ही है जहाँ से कभी हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आती हैं। बेवजह खून बहाया जाता है, खून खराबा किया जा रहा होता है, और एक के बाद एक देखा था हमने, कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया था, खास करके बीजेपी। कभी दफ्तर पे तो कभी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला किया गया और सरेआम उनकी हत्या कर दी जाती थी। और उन्हीं में से एक परिवार जो आज रो रहा है, बिलख रहा है, अपनों को खोने का ये गम है। जब राज्यपाल इनके बीच पहुंचे इन परिवारों से मुलाकात के लिए, तो कुछ इस तरीके से ये लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। गवर्नर से इंसाफ की इन्होंने गुहार लगाई है कि जो भी हत्यारा है, जो दोषी है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई परिवार इस स्थिति में ना पहुंचे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच में अच्छी खबर है, बच्चों के लिए जल्द आएगी कोरोना की वैक्सीन। बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी, और बच्चों की जो वैक्सीन है उसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी गई। 2 से 18 साल के बच्चों पर होगा ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल ये होगा। भारत बायोटेक बनाएगी वैक्सीन। 525 बच्चों को ट्रायल में शामिल किया जाएगा जिन पर ये ट्रायल होगा। तो कोरोना से जुड़ी इस वक्त की अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां 2 साल से लेकर के 18 साल के जो भीतर के बच्चे हैं उन पर अब ये भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रही है, क्लिनिकल ट्रायल होगा। 525 बच्चों पर ये ट्रायल किया जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा, ठीक रहा, तो बच्चों को भी अब इस टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन उन्हें भी दी जाएगी। तो देखिए कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर कहर टूटने की आशंका जताई गई है, लेकिन तीसरी लहर के आने की आशंका से पहले ही भारत ने बच्चों को बचाने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। कनाडा और अमेरिका की तरह भारत में भी बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी, और इसी दिशा में बच्चों पर वैक्सीन टीके के क्लिनिकल ट्रायल को अब मंजूरी भी दे दी गई है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। बच्चों को छू नहीं पाएगा कोरोना, बच्चों पर तीसरी लहर होगी बेअसर। बच्चों को बचाने वाली संजीवनी तैयार, देश में बच्चों पर टीके का क्लिनिकल ट्रायल, भारत में बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका से पहले बच्चों को इस जानलेवा वायरस से बचाने की पूरी तैयारी भारत में हो गई है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत में भी बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देश में पहली बार बच्चों पर कोरोना के टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। 2 से 18 साल तक के बच्चों पर टीके के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी गई है। बच्चों पर ट्रायल की इजाजत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने दी है। ट्रायल की सिफारिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की थी, जिसे DCGI ने मंजूरी दी है। भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर करने की मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल होगा।
ट्रायल के लिए 525 स्वस्थ बच्चों को चुना जाएगा और इन्हें वैक्सीन की इंजेक्शन दी जाएगी। वैक्सीन दो डोज की होगी और पहली डोज के 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। युवाओं और बुजुर्गों को पहले से ही स्वदेशी टीका कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है और अब भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज बच्चों को देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की पूरी तैयारी हो गई है। इसके लिए 3 साइट्स को चुना गया है जहां 525 वॉलंटियर्स को टीका दिया जाएगा। बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली के एम्स में होगा। साथ ही पटना स्थित एम्स में भी बच्चों को क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोवैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा नागपुर के मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। जैसे ही ये परीक्षण सफल हो जाएगा वैसे ही भारत में 2 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि दिसंबर तक बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी और इसी के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क हो जाएगा जहां बच्चों को कोरोना का टीका लग सकेगा। कनाडा और अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगनी शुरू भी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान अभी जारी है और इसी बीच में कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए नई सलाह भी जारी कर दी गई है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में जो गैप है उसे बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ये 2 डोज के बीच गैप 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश की गई है। कोरोना संक्रमित लोग 6 महीने बाद ही वैक्सीन ले, गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन का विकल्प दिया गया। सरकारी संस्था NTAGI ने ये सिफारिश की है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। दरअसल सरकारी पैनल ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन को लेकर के सरकार से सिफारिश भी की है। इस रिपोर्ट को देखिए। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन का सुरक्षा कवच, डिलीवरी से पहले और बाद में लग सकेगा टीका। वैक्सीनेशन पर NTAGI की सरकार से सिफारिश। कोविशील्ड की 2 डोज का बढ़ सकता है अंतर। गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिकी रिसर्च के दावे के बाद अब भारत में भी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी पैनल NTAGI ने सरकार से गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की छूट देने की सिफारिश की है, जिसके मुताबिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन का विकल्प दिया जाए। डिलीवरी से पहले और बाद में कभी भी ली जा सकती है वैक्सीन। कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित, यानी अगर गर्भवती महिलाएं चाहें तो डिलीवरी से पहले वैक्सीन लगवाएं या फिर डिलीवरी के बाद। वैक्सीन से मां या फिर बच्चे पर कोई खतरा नहीं होगा। यही नहीं, सरकारी पैनल NTAGI ने भी सरकार से वैक्सीन डोज को लेकर कुछ सिफारिशें की है। कोविशील्ड की 2 डोज का अंतर बढ़ाया जाए, 12 से 16 हफ्ते बाद लगे कोविशील्ड की दूसरी डोज। कोवैक्सीन की डोज के समय में बदलाव नहीं होगा। कोरोना संक्रमित लोग 6 महीने बाद लगवाएं वैक्सीन। गर्भवती महिलाओं के साथ साथ आम लोग भी जब वैक्सीन लगवाने जाएं तो सरकारी पैनल की सिफारिश पर ध्यान जरूर दें।